संस्कार के बिना जीवन बेकार है, अधूरा है। इसलिए हमारे संस्कार हमें प्राप्त होने चाहिए। कौन देगा? माता पिता देंगे। आप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि नहीं मैया जी? थोड़ा सा समय निकाला करो और बच्चों को संस्कार दिया करो। संस्कार क्या होते हैं? हर बार बच्चों की जिद पूरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बच्चों की जिद पूरी कराते रहते हैं। बच्चे ने जरा सी जिद कर ली, आपने पूरी कर दी। अरे लाला रो मत, रो मत लाला, रो मत। काहे ना रो, दो चार छप्पड़ दो, थोड़ा रोने दो, गला खुलेगा। जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से मोबाइल की डिमांड करते हैं और मम्मी ने तुरंत खोल कर दे दिया। आज आपने ये जिद पूरी की, कल कुछ और जिद पूरी करोगे, फिर बच्चों को लगेगा कि हमारी मम्मी तो हमारी सारी जिद पूरी करती है, तो फिर वो जिद कर करके वो जरूरतें पूरी कराएगा, और कभी मना किया तो फिर बच्चा तुम पर हावी हो जाएगा, आंख दिखाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को मारते भी हैं, लिपट पड़ते हैं, जिद पूरी ना करो तो गुस्सा करते हैं और लिपट जाते हैं अपनी माँ से, हाथ उठाते हैं बच्चे अपनी माँ पर। क्यों? आपकी भी गलती है। बच्चों को सबसे पहले कौन सा पाठ सिखाना चाहिए? शिष्टाचार, बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों का सम्मान, ये सिखाओ। आज हम देखते हैं लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते। बड़ों का सम्मान करना छोड़ दोगे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ, पहली जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। कोई भी घर में बड़ा आए, अतिथि आए, उनके चरण छुओ, बेटा जाओ, दंडवत करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो हाथ जोड़कर। छोटे छोटे बच्चों से बताओ कि ये तुमसे बड़े हैं, पांव छुओ इनके, चरण दबाओ इनके, सेवा करो। सेवा का भाव बचपन से लाकर खड़ा कर दो। अपने बच्चों को लेकर के फुटपाथ पे जाया करो, गरीबों के बीच में, उन दुखिया लोगों के बीच में जाया करो जो आज घास की कुटिया बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास जाकर उन बच्चों को, आप अपने बच्चों को बताओ, देखो बेटा ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों को दिखाओ कि देखो ये भी बच्चे हैं और तुम भी बच्चे हो। ये 50 पैसे की टॉफी भी कभी कभी खाते हैं और तुम 10-10 रुपए की टॉफियां भी आधी खा के बर्बाद कर देते हो। 50-50 रुपए की टॉफियों की कोई वैल्यू नहीं। पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, भगवान करे और दें, लेकिन पैसे का अर्थ ये तो नहीं कि आप पैसे का दुरुपयोग करने लग जाएं। कहावत है, तेली के तेल होता है तो पहाड़ पे नहीं पोतता, कहावत है। जीवन में संस्कार देने से आएंगे और ना देने से कुछ नहीं, करने से सब होता है और ना करने से कुछ नहीं होता। संस्कार ही सबसे बड़ा धन है आपका। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, जमाना यही पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारे बेटे का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। जब आप किसी के बेटे को देखते हैं ना और वो बेटा बिल्कुल संस्कारहीन है, समझ के लग जाता रे राम पैसे ही कमाया है, संस्कार वंस्कार तो दिया नहीं। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे की दौड़ में कहीं इतना आगे ना निकल जाना कि जो संस्कार देने थे वही रह जाए। ठीक है, आज हम बच्चों को देखते हैं, बड़े बड़े बच्चे, पढ़े लिखे, समझदार, ये अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। एक जमाना वो था कि बाप आता था तो बेटा खड़ा हो जाता था, पिताजी आए, पिताजी आइए बैठिए। आजकल तो बेटा बैठा रहता, बाप आए तो बैठे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है।
एक जमाना वो था कि पहले बेटा नहा धोकर पहले अपनी माता के अपने पिता के पांव छूता था, भगवान को नमस्कार करता था, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था, फिर आगे के कोई काम होते थे। आजकल तो पापा पिताजी काम पे निकल जाते हैं तब बेटा जागता है। कौन देगा संस्कार? पाकिस्तान से लोग आएंगे संस्कार देने आपके बच्चों को? बोलो क्यों? मुसलमान का बच्चा टोपी लगा के नमाज पढ़ने जाता है, तुम्हारा बच्चा सवेरे किसी मंदिर में जाता है, गीता पढ़ता है? नहीं पढ़ता। कल को तुम्हारा बेटा ही अपने धर्म का ज्ञान ना रखने के कारण कल तुम्हारा बेटा ही कहीं हिंदू से कहीं मुसलमान ना बन जाए और कहीं वो क्रिश्चियन ना हो जाए, कहीं धर्म परिवर्तन ना कर ले। भाई स्वयं के धर्म का नॉलेज ना होने से, स्वयं के धर्म का ज्ञान ना होने से वो जो सुनेगा वो कर लेगा। इसलिए उसके धर्म का नॉलेज आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को अपने धर्म की बातें बताएं। बेटा ये हमारे राम है, ये हमारे कृष्ण है, राम जी क्यों महान है बताओ अपने बच्चों को, राम जी ने कौन से काम किए जिससे वो महान हो गए बताओ अपने बच्चों को। यही संस्कार है कि राम जी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, माँ ने कह दिया कि बनवास जाना है, एक बार भी पलट कर नहीं कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? बोलो क्या राम जी नहीं कह सकते थे कि मुझे क्यों भेज रही हो माँ वनवास, मैं क्यों जाऊं? राम जी नहीं जाते तो क्या कह के जबरदस्ती भेज पाती? लेकिन नहीं, धन्य है वो राम जो माँ की आज्ञा का पालन करते थे, भले वो सौतेली माँ क्यों ना हो। ये संस्कार कहां से आएंगे? रामचरितमानस से। बताओ अपने बच्चों को कि भगवान राम के जीवन में एक दूसरी महिला आई थी, नाम था सूपनखा। उस महिला को देखकर राम जी ने, उसने कहा था कि तुम मेरे से विवाह कर लो, पर राम जी अपने धर्म से डिगे नहीं। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी नारी को देख लें, ये मर्यादा राम जी की है। ये चीजें अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव पा लेना, पर अपने धर्म से ना हटना। धर्म से हट जाने पर हम धन का क्या करेंगे बताओ? बताइए हमारे जीवन में धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? जोर से क्या बड़ा है मेरी माँ, धन या धर्म? यदि आपके सामने दोनों रखे जाएं, एक तरफ एक स्त्री के सामने दूसरा पुरुष खड़ा किया जाए और एक तरफ एक पुरुष के सामने दूसरी महिला खड़ी की जाए और दूसरी तरफ आपके सामने धर्म रखा जाए, क्या पसंद करेंगे, धर्म को बचाना या ये भोगों का धन? आपके सामने पैसे के ढेर लगा दिए जाए सोना चांदी के और दूसरी तरफ आपका धर्म हो, क्या पसंद करेंगे, धन को या धर्म को? अरे धन तो वैश्या भी कमा लेती है अपना धर्म बेचकर, धर्म बेचने से भी पैसा मिल जाता है। क्यों जी? धर्म आप अपना बेच दीजिए उससे भी आप पैसे कमा लेंगे। क्या वैश्या अपना धर्म बेच करके पैसे नहीं कमा रही है? तो पैसे तो वो भी कमा रहे हैं जो अपना धर्म बेच रहे हैं। तो पैसे के लिए मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, पैसे के लिए, धन के लिए अपना धर्म ना गवा देना। धर्म तो इस धरती में इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि उस पैसों से आपके धर्म को खरीदा जा सके। धर्म बिकाऊ नहीं है जबकि धन बिकाऊ होता है। क्यों? धर्म बेच के धन खरीद लीजिए, ले लीजिए। आजकल तो धन से भी धन मिलता है, हाँ या ना? पैसों से पैसा मिल जाता है। वही बाजार में आप देखते हैं ना, 10 रुपए देंगे तो 10 रुपए में वो 8 रुपए के आपको सिक्के पकड़ा देंगे, चिल्लर फुटकर। तो पैसों से पैसे भी खरीदे जा रहे हैं। इसलिए धन
आज है कल नहीं रहेगा, पर धर्म तो यहां भी आपके संग है। यहां से मरने के बाद आपका धन आपका साथ नहीं देगा, धन तो धरती तक साथ देता है, लेकिन धर्म तो यहां से लेकर परमात्मा तक आपका साथ धर्म ही देगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इसलिए अब मर्जी आपकी कि धन बचाना है या धर्म बचाना है। इसलिए मेरे भाइयों, धर्म बचाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म। करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के क्या करोगे। इसलिए धर्म का पाठ पढ़ो। ईसाई संडे के संडे कितना भी व्यस्त हो ईसाई, पर वो चर्च जरूर जाता है हर संडे को। मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, पर हिंदुओं को फुर्सत नहीं अपने धर्म को जानने की। जिज्ञासा नहीं है अपने धर्म को समझने का, कोई भाव नहीं है। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते प्रचार। आप अपने बच्चों को तो पढ़ाइए पहले धर्म की बातें, यही तो प्रचार है। आजकल के बच्चे ये तक नहीं जानते कि राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, गीता क्या है, क्योंकि आपने कभी बताया नहीं बच्चों को। आपको तो बस इंग्लिश पढ़ानी है, जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सुना दो बेटा। कोई आया तो, कोई भी बच्चा आया, बच्चे चालू हो जाते जॉनी जॉनी यस पापा 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 फलाना फलाना फलाना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये सुना। अरे भाई, बच्चों को गीता के श्लोक याद करा। कोई मेहमान आए तो आपके बच्चे गीता के श्लोक सुनाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मंगल भवन अमंगल हारी, रामचरितमानस की चौपाई। ये तुम्हारी संस्कृति, तुम नहीं पढ़ाओगे तो अमेरिका वहां से फिर पाकिस्तान से बुलाओगे उनको, वो पढ़ाएंगे तुम्हारे बच्चों को, वो संस्कार देंगे तुम्हारे बच्चों को। समय निकालो मेरी माँ और अपने धर्म को जानो। हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अभी सारी दुनिया लौट रही है सनातन की तरफ। जान लो अपने धर्म के बारे में, इतना श्रेष्ठ है कि आज लाखों क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। यहां वृंदावन में ही देख लो ना, गोरे गोरे लोग। आप में से कितने लोगों ने वृंदावन में अंग्रेजों को देखा है, माला जपते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, तुलसी की माला पहने? ये कौन लोग? ये क्रिश्चियन लोग हैं। ये इंग्लैंड, अमेरिका, ना जाने किस किस देश से यहां आते हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं ये वहां के लोग, और ये भारत के लोग ये समझ नहीं रहे हैं। वो विदेशी महिलाएं इतनी बढ़िया साड़ी पहनने लगी हैं, पर ये हमारे भारत की माताएं अभी फटे कपड़े पहने घूम रही हैं। वो तुम्हारी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, वो तुम्हारी नकल कर रहे हैं, और तुम उनकी नकल करने में लगे हो जो कि ऑलरेडी तुम्हारी नकल करना चाह रहे हैं। हाँ या ना? आप अपनी आंखों से यहां अंग्रेजों को देख लेना, माला जपते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं। अभी कोई मुसलमान भाई बड़े पद पर थे और उन्होंने अपना मुसलमान धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया, मिस्टर त्यागी उनका नाम है वर्तमान में, क्या वसीम, वसीम रिजवी। वो मुसलमान थे, हिंदू धर्म अपना लिया उन्होंने, वो अभी हैं, टीवी पर डिबेट इत्यादि आप सुन सकते हैं उनकी। वो मुसलमान थे, हाँ या ना? हिंदू धर्म अपना लिया कि नहीं? अरे सारी दुनिया, जबकि वो बहुत बड़े पद पर थे, अपने मुसलमान पद पर थे, उनने हिंदू धर्म अपना लिया। सारी दुनिया घर वापसी कर रही है, तुम अपने धर्म को जान लो मेरी माँ, सब वापस लौट रहे।
आप नहीं सिखाएंगे अपने धर्म का, ज्ञान नहीं देंगे, पाठ नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। इसलिए बच्चों को गीता पढ़ाया करो। गीता इस धरती में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, पढ़ा जाने वाला ग्रंथ भगवद गीता है। इस धरती में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसफर ना किया गया हो, ट्रांसलेट ना किया गया हो। कोई भाषा ऐसी नहीं है जिस भाषा में गीता ना हो। इस धरती में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है भगवद गीता। इंग्लैंड के लोग पढ़ रहे हैं, अमेरिका के लोग पढ़ रहे हैं, बस एक भारत के लोग हैं जो जॉनी जॉनी यस पापा याद कर रहे हैं। पता नहीं आपको कब अक्कल आएगी, कब अपनी संस्कृति को जानोगे, कब अपनी संस्कृति का सम्मान करोगे, कब आपके पॉकेट पर गीता होगी, कब आपकी जिह्वा पर गीता के श्लोक होंगे। कितना सुंदर मेरा भारत है, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं है। धन्य है मेरे भारत की संस्कृति को मैं नमस्कार करता हूं। आज सारी दुनिया भारत की संस्कृति को सराहती है कि धन्य है वो भारत जहां की महिलाएं आज भी अपने शरीर को ढक करके रखती हैं, पर पुरुष के सामने सिर ढक लेती हैं। ऐसी महिलाएं केवल भारत में होती हैं। अपने पति के जाने के बाद वो अपने पति की विधवा रह के जिंदगी जी लेती है, पर पुरुष को नहीं देखती। ऐसी क्वालिटी की महिलाएं सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। सारी दुनिया छान लो, ऐसी नारियां कहीं मिल जाएं किसी देश में तो बता देना, मैं आपकी वंदना कर लूंगा। मेरे भारत की महिला ऐसी पवित्र है वो गंगा की तरह, के पति के मरने के बाद उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है, पर स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। ये कल्चर केवल हमारा है। अमेरिका जापान में तो कपड़ों की तरह पुरुष बदले जाते हैं। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति अपने बच्चों को पढ़ाया करो। मेरी माँ, बताया करो महान पुरुषों के चरित्र क्या हैं, बताया करो। बताओ बच्चों को कि महाराणा प्रताप कौन है, वीर शिवाजी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, चाणक्य कौन है। बताओ बच्चों को कि ध्रुव जी कौन है और प्रहलाद जी कौन है, मीराबाई कौन है। कितना महान देश है हमारा।